टाइम इज़ अबाउट 9:20 और मेरी पोजीशन कुछ इस तरह है 17,800 18,250 और दोनों में 6-6 रुपये में बेचा। ठीक है, पोजीशन काफ़ी सेफ है और सेफ पोजीशन लेने के सिर्फ दो रीज़न है, हम काफ़ी पास है रेजिस्टेंस के, तो अगर ये एरिया टूटने को होगा तो कॉल बहुत ज़्यादा स्पाइक होने लग जाएगी एकदम से और प्रीमियम डिस्ट्रॉय हो गया ओवरनाइट के अंदर सारा, तो इसलिए सेफ पोजीशन बिल्ड करिए। दोनों अकाउंट में सेम पोजीशन है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 9:44, पोजीशन को नीचे शिफ्ट करा थोड़ा सा, पुट आ गई थी 8:09 पर, तो कॉल को नीचे लाया 18,250 से 200 के ऊपर, क्योंकि हमने डे लो तोड़ा है इसलिए मैंने कॉल को शिफ्ट भी कर लिया, वरना मैं जनरली नहीं करता, बट डे लो तोड़ने का तब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करती है या वापस सस्टेन करने जाते हैं ऊपर, हम उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आगे क्या एडजस्टमेंट करूँगा और कैसे ट्रेड होगा, बट फिलहाल ये ट्रेड चल रहा है। टाइम इज़ 10 AM और नई पोजीशन कुछ इस तरह 17,850 17,700, इसमें प्रीमियम हल्का सा ज़्यादा है इससे क्योंकि अब हम डाउन ट्रेंड में इंटरडे ट्रेंड के लिए। ठीक है, मार्केट क्रैश हो रही है और सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 17,800 पे 850 के आसपास, तो बैठिए होल्ड करके और देखते हैं क्या होता है। टाइम इज़ अबाउट 11:27 और इस डाउन मूव के आसपास यहाँ पर कहीं मैंने ये ट्रेड डाला, स्ट्रैडल डाले डायरेक्शनल 17,950 17,950। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रैंगल तो चल ही रही है जो कि इज़ इन गुड प्रॉफिट नाउ, और ये वाला जो पार्ट है जो ये ट्रेड है ये कुछ इस तरह, मैंने हेजेस बाय नहीं करे हैं अभी, इसको मैं फ्री कर लूँगा विद इन 15 मिनट्स अगर ये मेरे अकॉर्डिंग चलती रही। करंटली वेयर अप अराउंड 2,000, छोटी क्वांटिटी के अंदर ही करता हूँ क्योंकि आज ही सब कुछ एक्सपायर हो जाना है। ठीक है, और ये डायरेक्शनल है तो सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा और अप मूव आएगा 950 पे, मुझे लग रहा है 950 से 18,000 के बीच में हम कहीं फंसेंगे और उसके रीजनिंग सिर्फ दो हैं। अगर आप OI देखो 900 की जो पुट है बहुत ही अच्छे से बिल्ड होती जा रही है, ये 900 की जो पुट है इसमें कोई देखो रुकावट नहीं आ रही, मतलब कहीं से वीकनेस नहीं है इस पुट के अंदर, लोग छोड़ नहीं रहे इसको। 18,100 स्ट्रॉन्ग है, 18,000 स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने 17,950 पे बनाई है ना कि 18,000 पे, क्योंकि 18,000 तो एक अच्छी रेजिस्टेंस दिख रही है बट 900 एक अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा है हमारे को। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मूव ऊपर आता रहेगा थोड़ा सा एक और मूव अप मूव आ जाए, मैं दोनों साइड का हेज बाय करके या तो फ्री कर लूँगा या पहले एक साइड फ्री करूँगा फिर दूसरी साइड फ्री करूँगा, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लिप में। टाइम इज़ अबाउट 11:41 और आपने देखा अप मूव आने के बाद मैंने एक तो मैंने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया पोजिशन को, उसका रीज़न ये है कि देखने में आसान एडजस्टमेंट ईजीली हो पाएगी, वरना मैं यहीं पर कन्फ्यूज़ होता रहूँगा क्या ये है क्या वो है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्स्ट्रा पे, ये पोजीशन कुछ इस तरह बन चुकी है, वी आर अप 6,000, मैक्स लॉस इज 2,400 इस पोजीशन के अंदर, मैक्स लॉस 22,000, रेंज देख लो आप 860 से 1840, तो अच्छी खासी रेंज है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ फिलहाल। टाइम इज़ अबाउट 1:30 और लगभग 1.5 घंटा बचा है एवरेजिंग के लिए, पोजीशन को मैं दोनों को अंदर ले आया, थोड़ी सी अगर ऐसे बिल्डिंग कर रहा हूँ पोजीशन क्योंकि हम एकदम सेंटर में बैठे हैं अभी। ठीक है, तो पुरानी पोजीशन में कुछ बचा नहीं था, 17,800 18,000 की पोजीशन है और अभी हम 900 के ऊपर बिल्कुल फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम इज़ अबाउट 2:52, इस पोजीशन को बुक कर रहा हूँ मैं, वी आर एट अराउंड 14,500 का प्रॉफिट इस पर। ठीक है, और हम ऊपर गए थे, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है, तो मे बी हम यहाँ का एंड करें और मैं उसको इसका जो गेन है वो देना नहीं चाहता, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर होती है कि हम 17,950 पे क्लोज हों, तो आई थिंक गुड स्पॉट है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, कुछ बचा नहीं है वैसे इसके अंदर, 1 रुपये बचा है सिर्फ। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 3:08 और सारी पोजिशन बंद कर दी, नेट प्रॉफिट इज़ अराउंड 30,000 इंट्राडे के लिए अगर आप ये स्विंग ट्रेड्स को हटा दो।
ये और ये माइनस हो रखा है, बाकी सब आज की है 30,000। 14,000 स्ट्रेट में बुक करे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, बाकी सारा ट्रायंगल के अंदर इंट्राडे इस अकाउंट के अंदर। दूसरा अकाउंट पे अगर हम आ जाएँ तो 8,000 इधर, तो टोटल हो गया अराउंड 38,000। सो 38,000 फॉर द डे, और कुछ ज़्यादा मुश्किल दिन नहीं था, काफ़ी अनोइंग था थोड़ा सा, मतलब मेरे कई बार बड़ी गंदे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जो कि हिट होते ही पोजीशन एकदम ऑपोजिट हो गई, बट ठीक है, पार्ट है ये ट्रेडिंग का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी अगले हफ्ते कल ट्रेड करते हैं, और ठीक है, थैंक यू।